स्वागत है दोस्तों आपका अनंत के गार्डन में। आज मेरे रेन लिलीज खिले थे येलो कलर के, देखिए कितने खूबसूरत हैं। तो मैंने सोचा आपको मैं इसके बारे में जानकारी दे दूं। ये देखिए कितने खूबसूरत रेन लिलीज हैं, ये येलो कलर के। अब ये देखिए ये किस तरह से लगते हैं, मैं वो आपको बता रही हूँ। ये इस तरह से इसमें ये सीड्स हैं, ये देखिए जब ये फूल खिलने के बाद बंद हो जाते हैं तो ये इसमें ये सीड्स बन जाते हैं। ये देखिए ये इस तरह से फिर निकल आते हैं। अब ये अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुए हैं तो ये ग्रीन है, थोड़े से ब्राउन होके ये पक जाते हैं। या तो आप इनको कीजिए, इनको संभाल के रखिए और फिर इनको अपने इस तरह गमला तैयार करें और इसमें इस तरह से बिखार के आप इसमें लगा सकते हैं। ये तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है इस तरह उगने में, तो आप इस तरह नर्सरी से लेके आ सकते हैं। इसके बल्ब होते हैं, देखिए मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये पिंक कलर के हैं रेन लिलीज। इस तरह किसी भी आप नर्सरी में चले जाइए वो आपको मिल जाएंगे। ये देखिए तो आप इसको इस तरह डिवाइड कर लें। ये देखिए अब कोशिश कीजिए बड़े बड़े लेने के लिए बल्ब, तो आप इसको अपने गमले में इस तरह से थोड़ा सा छेद बना इस तरह लगाइए। आप इसकी थोड़ी जड़ भी काट सकते हैं अगर आपको बड़ी लग रही है तो। ये देखिए तो इसके लिए आपको मिट्टी चाहिए, वेल ड्रेन सॉइल, जिसमें कि गार्डन सॉइल और सैंड, आप थोड़ी वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं, काऊ डंग डाल सकते हैं। तो इनको आप थोड़ा सा डिस्टेंस दे के इस तरह से आप इनको लगा दीजिए। तो ये बहुत जल्दी फिर इसमें से जैसे ही बरसात आएगी तो ये जल्दी से बड़े होकर फूल देना शुरू कर देगा। ये देखिए मैंने इसमें सारे के सारे बल्ब्स लगा दिए। ये देखिए ये हैं पिंक कलर के। और अब ये देखिए ये मेरे पास वाइट कलर के रेन लिलीज हैं जो मैंने ये अभी 15-20 दिन पहले लगाए थे। अगर आप बल्ब लेके आएंगे तो उसमें से बरसात के साथ ही आपके जल्दी से इसमें से फ्लावर्स निकल आएंगे। अगर आप सीड से लगाएंगे तो आपको कुछ टाइम लगेगा। इसकी खासियत ये है इन फ्लावर्स की कि जल्दी से जैसे ही रेन आती है आप इसको कितना भी पानी दीजिए तो इसमें फ्लावर्स नहीं आएंगे। लेकिन जैसे ही बरसात शुरू होगी, जैसे आजकल मॉनसून चल रहा है, तो इसमें उसी टाइम बरसात के पानी के साथ ही इसमें से इसकी इस तरह से बर्ड्स बननी शुरू हो जाएंगी। और ये देखिए जैसे ये है और इसके फटाफट खूब सारे इसमें से फ्लावर्स आ जाएंगे। तो मेरे पास तीन तरह के हैं रेन लिलीज के कलर, एक येलो है, एक पिंक है और एक वाइट है। तो जो अभी खिलेंगे तो मैं आपको फिर उनमें भी खिले हुए फ्लावर्स दिखाऊंगी। बरसात में फ्लावर्स खिलते हैं लेकिन वैसे ये सारा साल इसी तरह से ये ग्रीन रह जाता है प्लांट इसी तरह बिना फूलों के। आप इसको रख सकते हैं। और ये देखिए मेरे पास एक और है, इसमें वाइट कलर के हैं, वाइट कलर के फ्लावर्स निकलेंगे। अभी इसमें कोई फ्लावर नहीं है, बस ये बरसात के बाद एकदम से ये सीधे हो गए हैं। अभी इनमें से बर्ड्स आएंगी और इनमें खूब सारे फ्लावर्स आएंगे, तो मैं आपको फिर दिखाऊंगी। तो किस तरह आपको लगी यह जानकारी रेन लिलीज के बारे में? आप इसको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।